Hello dear students, I am Jaspreet Kaur from SGTB school. Students, now we are going to start our English grammar. Today our topic is nouns. Nouns में हम क्या करेंगे? Singular and plural. First of all, I will give you the introduction of singular nouns. Singular nouns क्या होते हैं? A noun that stands for a single person. क्या है? एक noun जो क्या stand करता है for a single person, animal, place or thing is said to be singular number. For example, girl, bus, baby, fox, etc. Next is plural noun. A noun that stands for more than one person. क्या है? Noun जो क्या stand करता है for more than one person, animal, place or thing is said to be plural number. For example, girls, buses, babies, foxes, etc. Student, हम हिंदी में सिंगुलर नाउन को क्या कहते हैं? एक वचन. और प्लूरल नाउन को क्या कहते हैं? बहुवचन. स्टूडेंट्स, देयर आर सम रूल्स ऑफ नाउन्स, लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज, इन मोस्ट केसेस वी एड एस टू सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन. फॉर एग्जांपल, डॉल, डॉल्स. डॉल क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नाउन है. और डॉल्स क्या है? प्लूरल नाउन है, यानी कि ये बहुवचन है. नेक्स्ट इज चेयर. चेयर क्या है? सिंगुलर नाउन है, मींस एक वचन है. और हम इसे क्या है, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये चेयर्स. तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन. नेक्स्ट इज वॉल. ये क्या है? सिंगुलर नाउन है. हम इसे प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वॉल्स. नेक्स्ट इज टैबलेट. टैबलेट को हम क्या है, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये टैबलेट्स. नेक्स्ट इज रिवर. रिवर का क्या बनेगा? रिवर्स. नेक्स्ट इज सोफा. सोफा का प्लूरल नाउन क्या बनेगा? सोफाज. Okay students, when we add es to nouns that end in o. Students, पहले हमने क्या add किया है? S किया है singular noun में add. अब हम क्या करेंगे? es. For example, tomato. Student, see, tomato के end में कौन सा word है? O. तो हम इसमें क्या है? es add करेंगे. टोमेटो को हम क्या है, सिंगुलर नाउन को हम क्या है, प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो टोमेटो का टोमेटोज बन जाएगा. नेक्स्ट इज मैंगो. मैंगो के एंड में वर्ड कौन सा है? ओ. तो इसको हम जब प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये मैंगोज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगेन इज ईएस to singular noun that end in hissing sound. Hissing sound means ch, double s, s, sh and x to form the plural. For example, first is dish. डिश. इसमें लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? हिसिंग साउंड आ रहा है. तो हम इसमें क्या है, ई एस एड करेंगे. डिश का क्या बन जाएगा? डिशेज. क्या बन जाएगा? डिशेज. नेक्स्ट इज विश. इसमें श का साउंड आ रहा है तो इसमें क्या हम ई एस एड करेंगे तो क्या बन जाएगा? विशेज. क्या बन जाएगा? विशेज. नेक्स्ट इज ब्रश. इसका लास्ट वर्ड कौन सा है? हिसिंग साउंड है.
तो इसमें क्या हम ES ऐड करें तो क्या बन जाएगा ये ब्रशेज. नेक्स्ट इज ड्रेस, इसको हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे ES लगा के तो क्या बन जाएगा ये ड्रेसेस. नेक्स्ट इज फॉक्स, फॉक्स साउंड आ रहा है तो इसमें हम हिसिंग साउंड आ रहा है तो इसमें हम ES लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा फॉक्सेस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वी चेंज F और FE टू VES. इन नाउंस एंडिंग इन F और FE हम इसमें क्या करेंगे चेंज करेंगे हम इसमें F और FE की जगह हम क्या राइट करेंगे VES. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज वॉल्फ, वॉल्फ को क्या है लास्ट में साउंड कौन सा आ रहा है F साउंड आ रहा है, कौन सा वर्ड इसमें लास्ट में F है तो हम इसको क्या है कन्वर्ट करेंगे वॉल्स VES में, किसमें हम करेंगे VES में क्या बन जाएगा ये वॉल्स. नेक्स्ट इज लॉफ, लास्ट में इसके वर्ड कौन सा है F है तो हम क्या है F को चेंज करेंगे विद VES क्या बन जाएगा ये लॉव्स. नेक्स्ट इज नाइफ, इसमें लास्ट वर्ड कौन सा है एफ ई तो हम इसे क्या किस में चेंज करेंगे VES में तो नाइफ का क्या बन जाएगा प्लूरल नाउन में नाइफ्स. स्टूडेंट्स नाउ वी चेंज Y टू ES, हम क्या है Y की जगह हम अब क्या इसमें चेंज करेंगे IES लगाएंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए. वी चेंज Y टू IES इन नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स एंड Y. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज डायरी, इसका लास्ट वर्ड कौन सा है डायरी का वाई, वाई को हम चेंज करेंगे विद आई ई एस क्या बन जाएगा डायरीज. नेक्स्ट इज आर्मी, आर्मी का लास्ट वर्ड कौन सा है वाई, इसको हम चेंज करेंगे विद आई ई एस क्या बन जाएगा ये आर्मीज. नाउ वी एड S टू नाउन्स एंडिंग इन वोवल एंड Y. अब क्या है हम नाउन्स में S एंड एड करेंगे एंडिंग इन वोवल एंड Y. फर्स्ट इज टॉय, टॉय का लास्ट वर्ड क्या है Y तो इसमें हम क्या करेंगे एड S क्या बन जाएगा ये टॉयज. नेक्स्ट इज बॉय, बॉय का लास्ट एंडिंग वर्ड कौन सा है Y तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे एस ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बॉयज. नेक्स्ट इज डोंकी, डोंकी का लास्ट वर्ड कौन सा है वाई है तो हम इसमें एस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये डोंकीज. स्टूडेंट्स नाउ वी मूव टू आवर सेवेंथ रूल, वी हैव टू रिमेम्बर द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स एज दे cannot be changed by the above mentioned rule. Students, जो हमने पहले nouns किए हैं हमें क्या है उनके जो rules हैं वो हमें याद रखने होंगे क्योंकि कुछ ऐसे nouns हैं जिनको हम बदल नहीं सकते जैसे कि first is tooth. टूथ को क्या है हम जो हमने पहले नाउंस किए हैं उनमें हम चेंज नहीं कर सकते कन्वर्ट नहीं कर सकते तो टूथ का क्या बन जाएगा टीथ. नेक्स्ट इज फुट, फुट का क्या बन जाएगा फीट. नेक्स्ट इज माउस, माउस का क्या बन जाएगा माइस.
So students, these are some nouns that we cannot change